उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के 60,000 पदों के लिए शनिवार और रविवार को परीक्षा की तिथि नियत थी। दोनों दिन लाखों अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, लेकिन छात्रों का आरोप है कि परीक्षा में पारदर्शिता नहीं रही है। परीक्षा से पहले ही पर्चा लीक हो गया। हालांकि सरकार ऐसे दावे को पहले ही नकार चुकी है, लेकिन सैकड़ों छात्रों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया, तो वहीं दूसरी तरफ छात्रों ने ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर के आवास पर पहुंचकर किया जमकर प्रदर्शन। किसी पोस्ट को मैं पैसे से खरीदता हूं, तो कहीं ना कहीं मैं भी उसमें पैसा ऐंठने की कोशिश करूंगा। हमारी मांग ये है पेपर को दोबारा कराएं, री एग्जाम कराएं। हाँ जी, सभी भाई आए, हम नहीं है अकेले, हमने ट्वीट भी कराने की कोशिश करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है हमारा, मतलब कोई हमारा संविधान के दायरे में कर रहे हैं, हम कोई गलत नहीं कर रहे हैं, हमारा अधिकार है ये, तो हमारा यही है। देखो आप देख पा रहे हो, ये हमारी बहन भी आई है साथ में, आप दिखा सकते हैं। अभी मंत्री जी के पास में आए, वे अभी यहाँ आए नहीं, तो अभी देखते हैं मंत्री जी से मिलेंगे अभी, और साथ में हमारे भाई हैं,